व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग। तो भाई आज अपने साथ है स्कॉर्पियो क्लासिक आपका S11 वेरिएंट, एंड इस गाड़ी के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है वो डिटेल में बात करेंगे। बात करते हैं लुक्स की, तो लुक्स वाइज अगर इस गाड़ी की बात करते हो ना, तो भाई इसके मुकाबले का माफिया लुक आपको कोई और गाड़ी दे ही नहीं सकती। तो सामने जो कलर खड़ा हुआ है वो आपका एवरेस्ट वाइज कलर के नाम से है। पहले इसमें जो कलर आता था वो आता था डायमंड वाइट के नाम से, जो कि थोड़ा सा पीली येलो स्टोन में आता है, जैसा आप बुलेरो नियो के अंदर देख रहे हो सेम येलो और वाइट। तो अगर आप इसका एस मॉडल लेते हो, मतलब इसका बेसिक मॉडल लेते हो, तो वो आपको सेम उस कलर में मिलता है डायमंड वाइट वाले में, ये आपको एवरेस्ट वाइट मिलता है। यहाँ पे कलर में क्या है कि थोड़ी सी ब्राइटनेस ज़्यादा है और स्पार्कलिंग कलर है। तो S11 में वाइट कलर बिल्कुल आपको डिफरेंट मिलता है, एंड गाड़ी के जो लुक्स देख रहे हो ना वो काफ़ी अच्छे लगते हैं वाइट कलर के अंदर। तो ब्लैक तो ऑब्वियसली ब्लैक बहुत लोग लेते हैं, प्रेफर करते हैं कि ब्लैक ब्लैक ब्लैक, स्कॉर्पियो का नाम ही ब्लैक में है। लेकिन अगर आप वाइट कलर की बात करते हो तो ये वाला वाइट काफ़ी अच्छा है, देखने में भी अच्छा लग रहा है, एंड आप देख रहे हो ना कि स्टांस बहुत प्यारे लग रहे हैं गाड़ी के। तो डिटेल में बात करते हैं गाड़ी के अंदर आपको क्या मिलता है। तो फ्रंट में आपको एक तो मिलता है स्टांस, कि गाड़ी की चौड़ाई बहुत अच्छी खासी लगती है। जो विंड स्क्रीन है ना वो भी स्ट्रेट है, तो आपको एक SUV वाला फील मिलता है। स्कूप आपको देखने के लिए मिल जाता है बोनट के ऊपर। प्रोजेक्टर हेडलैम्प की असेंबली मिल जाएगी। रिफ्लेक्टर आपको मिलता है हाई बीम में, प्रोजेक्टर मिलता है आपको लो बीम में। यहाँ पे आपको DRLs की असेंबली मिल जाती है, उसके नीचे आपको मिलते हैं फॉग लैंप। ग्रिल आपको क्रोम में मिल जाती है, ये थोड़ा सा चेंज किया है महिंद्रा ने। पहले ये ग्रिल आपका क्रोम में नहीं आती थी, नॉर्मल आती थी, अब ये क्रोम। ट्विन पीक लोगो मिल जाता है। नीचे आपको इसके प्लेट्स देखने के लिए मिल जाती हैं। तो गाड़ी के अंदर फ्रंट लुक की अगर बात करो तो गाड़ी के जो लुक्स है, जो फ्रंट लुक है, वही काफ़ी बौकाली टाइप लगता है, कि गाड़ी बहुत बौकल लगती है देखने में। साइड प्रोफाइल में भी गाड़ी में बहुत कुछ आ गया है, कि साइड प्रोफाइल में आपको गाड़ी का जो लेंथ है वो अच्छा खासा मिलता है, मैसिव लेंथ मिलता है। व्हील आपको 17 इंच के मिल जाते हैं, मतलब जो चार टायर के चक्के हैं वो 17 इंच के मिलते हैं। अंडर बॉडी क्लाइडिंग मिल जाती है, वो भी बॉडी कलर के अंदर। तो ये आपकी अंडर बॉडी क्लाइडिंग आपको बॉडी कलर के अंदर मिलती है। बेसिक मॉडल में आपको ब्लैक मिलेगी पूरी अंडर बॉडी क्लाइडिंग। 17 इंची का चक्का मिल जाता है। तो 17 इंची में अगर प्रोफाइल की बात करते हो, टायर प्रोफाइल की, तो 235/65 R17 का आपको व्हील मिलता है। 104 आपका H का आपको स्पीड मिलती है, मतलब टायर से आप पता कर सकते हो कि टायर गाड़ी की आपकी मैक्सिमम स्पीड क्या हो सकती है। फेंडर पे यहाँ पे मिरर्स इंडिकेटर मिल जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि यहाँ पे नहीं दिया, ये लुक और ज़्यादा एनहेंस कर रहे हैं। तो फेंडर पे आपको मिरर इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। ऊपर रूफ रेल्स की असेंबली मिल जाती है। फुट स्टैप आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अंडर बॉडी क्लाइडिंग आपको देखने के लिए मिल ही रही है। यहाँ पर आपका DEF के लिए टैंक आ जाता है, कि आपके DEF डीजल गाड़ी है तो DEF की ज़रूरत पड़ती है, तो DEF आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। पीछे के लुक्स की अगर बात करते हो तो पीछे के लुक्स भी इस गाड़ी के काफ़ी तगड़े हैं। एक तो आपको स्पॉइलर देखने के लिए मिलता है पीछे, वाइपर वॉशर डिफॉगर की असेंबली मिल जाती है, स्टिक टेल लैंप्स मिल जाते हैं। लाइट्स यहाँ पे थोड़ी सी पुरानी हुई रखी हुई है, लेकिन टेल लैंप आपके स्टिक मिल जाते हैं। स्कॉर्पियो इनकी बैजिंग मिल जाती है S11 की। ये क्लासिक वाली बैजिंग पहले नहीं आती थी, अब आने लगी है। वाइपर वॉशर की असेंबली है आपको पियानो ब्लैक में। यहाँ पे डोर आपका का पीछे का सपोर्ट मिल जाएगा। साइड फेसिंग सीट्स देखने के लिए मिलेंगे। तो गाड़ी आपकी टोटल 7 सीटर है, एंड यहाँ पर आपको साइड फेसिंग सीट्स देखने के लिए मिलती है, कि अगर आपको यूज़ है तो आप इसे ओपन कर सकते हो, अदरवाइज आप इसे बंद भी कर सकते हो। तो आपका ये हो गया ऑन, तो आपको यहाँ पर बैठना है तो यहाँ पर आप बैठ सकते हो। अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है, मतलब अगर फ्रंट फेसिंग सीट्स की बात करते हो तो फ्रंट फेसिंग सीट से ज़्यादा आपको स्पेस मिल जाता है। लेकिन हाँ, कंफर्ट उतना नहीं मिलता, लेकिन स्पेस आपको अच्छा खासा मिल जाता है। आप छोटा मोटा कोई भी सामान अपना यहाँ पर कैरी कर सकते हो, जो आपको अवॉइड करना पड़ता है फ्रंट फेसिंग सीट के साथ। पुल टू ओपन DEF का ये है, ये आपका पेट्रोल का है, पुल टू ओपन, ये पेट्रोल आपको बना हुआ दिख रहा है, एंड यहाँ पर आपको DEF का मिल जाता है। तो इन केस अगर आप पीछे से कभी भूल जाते हो आगे से खोलना, तो आप यहाँ से भी खोल सकते हो। पीछे वाले आपको डोर्स में दो स्पीकर की असेंबली देखने के लिए मिल जाती है, कि दो स्पीकर्स आपको पीछे वाले असेंबली में मिल जाते हैं। गेट का जो खुलना है, मतलब गेट का जो अगर बात करते हो कितना ओपन होता है, तो पूरा 90° के एंगल में ये ओपन हो जाता है। तो कुल मिला के अगर इस गाड़ी के स्टैंड की, इस गाड़ी के लुक्स की बात की जाए, तो लुक्स को कोई भी यहाँ पर टक्कर नहीं दे सकता आज के टाइम में। तो स्कॉर्पियो का जो चलने का मेन रीज़न है ना, वो है इसके लुक्स। चलते हैं इसके इंजन में, कि इंजन आप सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है। यहाँ से आपने ओपन करा है हुड, आप यहाँ आए, एंड केवल आपको यहाँ पे इसको ओपन करना है, एंड ये आपको हाइड्रोलिक सेट्स
आपके बोनट को ऊपर कर देते हैं। तो ये एक थोड़ा सा लग्जरी वाला फील देता है। स्कॉर्पियो एन के अंदर भी ये वाला फीचर नहीं आता है कि आपके हाइड्रोलिक स्टड वहाँ पर भी नहीं आते, लेकिन यहाँ पर आपको हाइड्रोलिक स्टड मिल जाते हैं। इंजन में आपको फोर सिलेंडर 2.2 लीटर का एमहॉक डीजल इंजन मिलता है, जो आपको 135 bhp की पावर और ऑलमोस्ट आपको 130 bhp की पावर और ऑलमोस्ट आपका 300 nm का टॉर्क यहाँ पे मिल जाता है। चलते हैं गाड़ी के अंदर कि गाड़ी के अंदर आपको क्या क्या मिल रहा है। तो गाड़ी के अंदर भी काफ़ी कुछ मिल जाता है, मतलब आप आज के हिसाब से कंपेयर करोगे तो आपको थोड़े से कम लगेंगे फीचर्स, लेकिन अगर आप स्कॉर्पियो के हिसाब से कंपेयर करते हो तो फीचर्स अच्छे खासे आपको वाइज बहुत कुछ मिल जाता है आपको क्लासिक के अंदर। कि अगर आप बात करते हो मीटर डिस्प्ले की, तो मीटर आपको एनालॉग मिलता है, एक तरफ आपको आरपीएम मीटर, दूसरी तरफ स्पीडोमीटर मिल जाता है, बीच में एक 3.5 इंच की टीएफटी डिस्प्ले मिल जाती है जहां पर आपकी सारी चीज़ें जैसे कि आपका माइलेज, आपका डिस्टेंस टू एमटी, ये सारी चीज़ बताता है। स्टीयरिंग पर आपको लादर स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है देखने के लिए, एक तरफ आपको क्रूज कंट्रोल, दूसरी तरफ आपको सोर्सेस मिल जाते हैं जैसे ऑडियो कंट्रोल, ये सारी चीज़ें आप यूज़ करना चाहते हो तो आप यहाँ पर यूज़ करते हो। थोड़ा सा रिच फिनिश के लिए यहाँ पे पियानो ब्लैक का यूज़ कर लिया गया है। तो गाड़ी के अंदर अगर बैठते हो आप, तो बैठने में एक तो स्टांस बहुत तगड़े मिलते हैं कि आप जब बैठते हो गाड़ी के अंदर तो आपको लगेगा कि हाँ भाई आप किसी गाड़ी में बैठे हो, जस्ट लाइक कि आप इतने ऊंचे बैठे हो कि नॉर्मल गाड़ियाँ आपके सामने बच्ची लगेंगी। तो एक तो ये प्लस पॉइंट मिल जाता है। इंटीरियर में थोड़ा सा लग्जरी ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे क्रोम इंटीरियर, मतलब क्रोम के एक्सेंट मिल जाते हैं देखने के लिए, कि एसी ब्लोअर पर क्रोम एक्सेंट मिल जाएंगे, यहाँ पे क्रोम एक्सेंट मिल जाते हैं। 10.25 इंच का आपको यहाँ पे डिस्प्ले मिल जाता है देखने के लिए। तो ये टच स्क्रीन आपका 10.25 इंच में दिया हुआ है। एसी आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है कि ऑटो एसी आपको मिल जाएगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर डुअल जोन एसी नहीं मिलता, केवल आपको मिलता है ऑटो एसी। तो ऑटो एसी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। थोड़ा सा वुडन फिनिश आपको इसके मिडिल पैनल पर, जो आप बोलते हो जो मिडिल पैनल है, इसमें यहाँ पे थोड़ा सा आपको वुडन फिनिश देखने के लिए मिल जाएगा। आइवरी और ब्लैक का कॉम्बिनेशन आपको इंटीरियर में देखने के लिए मिलता है इस गाड़ी के अंदर। दो एयरबैग की असेंबली मिलती है, एक एयरबैग यहाँ पर, दूसरा एयरबैग वहाँ पर मिल जाता है आपको देखने के लिए। IRPM आपको ऑटो डिमिंग इफेक्ट के साथ नहीं मिलता, मतलब कि ये आपका डे नाइट मिरर फंक्शन मिल जाता है। सनग्लास होल्डर देखने के लिए मिल जाते हैं यहाँ पर। स्पीकर मतलब माइक की असेंबली मिल जाती है गाड़ी के अंदर, टोटल 6 स्पीकर आ रहे हैं आपके, एंड यहाँ पर आपका माइक की असेंबली मिल जाती है। ऊपर लाइट्स आपको येलो कलर की मिलती है, यहाँ पर सनरूफ की असेंबली नहीं है। तो स्कॉर्पियो क्लासिक के अंदर तो यहाँ पे बस थोड़ा सा सिंपल है, यहाँ पर कोई सनरूफ वगैरह की असेंबली नहीं मिलती है। IRPM आपको यहाँ पे आपको ग्लास मिल जाता है देखने के लिए, मिरर है छोटा सा नॉर्मल, यहाँ पर इस तरफ आपको मिरर्स नहीं मिलते देखने के लिए। एंड फुल ब्लैक अगर इस गाड़ी की बात करूँ तो हाँ 7 सीटर है ये, लेकिन अगर आप बात करते हो एक लग्जरी 70 सीटर से कंपेयर तो वो चीज़ नहीं आएगी। गाड़ी का लुक बहुत बौकाल है, गाड़ी के परफॉर्मेंस बहुत बौकाल है, हर चीज़ बौकाल है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ों की कमी है। जैसे कि अगर आप ग्लोबल एनकैप में रेटिंग की बात करते हो तो वहाँ पर रेटिंग नहीं मिली है इस गाड़ी को, क्योंकि पीछे की जो सीट है साइड फेसिंग की वजह से ग्लोबल एनकैप में गाड़ी जाती नहीं है। तो यहाँ पर आपको एक तो एनकैप रेटिंग नहीं मिलती गाड़ी के अंदर, लेकिन सेफ्टी के लिए महिंद्रा ने काफ़ी कुछ दिया हुआ है कि आपको दोनों तो एयरबैग मिल जाते हैं, ABS CVD मिल जाता है गाड़ी में देखने के लिए। डिस्क ब्रेक आपको फ्रंट डिस्क ब्रेक, रियर वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, चाइल्ड सीट एंकरेजेस मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने महिंद्रा की देखी हुई है, एंड बिल्ड क्वालिटी आप जानते हो महिंद्रा की, महिंद्रा भाई बिल्ड क्वालिटी के मामले में नंबर वन है आज के टाइम में। तो नंबर वन की टैग लेके घूम रहे हो तो सेफ्टी तो देंगे ही देंगे साथ में। कंसोल की अगर बात करते हो यहाँ पर ग्लव कंसोल भी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। AC का फ्लो काफ़ी तगड़ा है, काफ़ी अच्छा है, मतलब मज़ा आ रहा है देखने में, फील करने में। यहाँ पे भी आपको AC के वेंट्स मिल जाते हैं देखने के लिए कि आपको यहाँ पे AC कूलिंग अच्छी खासी कूलिंग है भाई। तो ये सारी चीजें आपको स्कॉर्पियो क्लासिक के अंदर मिल जाती हैं। एंड क्लासिक की अगर बात करते हो तो प्राइस भी अच्छे खासे रीजनेबल रखे हुए हैं, बहुत ज्यादा प्राइस रीजनेबल, बहुत ज्यादा प्राइस नहीं रखे हैं गाड़ी के, बहुत रीजनेबल रेट में रखी हुई है। गर्मी बहुत ज्यादा है बाहर, तो भैया अंदर बैठ के वीडियो बना रहा हूँ भाई, थोड़ा सा अवॉइड करना इस चीज को, लेकिन सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लोर कर दूंगा। तो साइड मिरर्स की ऑलरेडी आपको साइड मिरर्स इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट मिलते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर साइड मिरर आपको ऑटो फोल्डेबल नहीं मिलेंगे आपको, तो ये एक माइनस पॉइंट लगता है मुझे कि इतनी बड़ी गाड़ी के अंदर ऑटो फोल्डेबल मिरर्स होने चाहिए, तो वो चीज़ आपको मिल जाती है माइनस। यहीं पर आपको बीम लेवलर मिल जाता है फ्रंट डिफोगर और आपका पेट्रोल टैंक खोलने के लिए। तो बहुत सारे लोग नीचे की तरफ दूरते हैं, तो नीचे नहीं है, यहाँ पर आपको साइड में आपको पेट्रोल टैंक खोलने के लिए मिलेगा, टैंक ओपनर यहाँ पर मिलेगा आपको। बाकी ऑलरेडी सब कुछ अच्छा है गाड़ी के अंदर। आपको डेट पेडल यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है कि डेट पेडल है आपका ABC एक्सीलेटर ब्रेक क्लच के बगल में, आपको क्लच के बगल में आपको डेट पेडल देखने के लिए मिल जाएगा। छोटे मोटे सामान आप यहाँ पे कैरी कर सकते हो जैसे मोबाइल वगैरह, चार्जिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो
काफी हद तक काफी चीजें आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाती है। यूएसबी पोर्ट थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है कि यहाँ पे यूएसबी पोर्ट मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। ऑक्सिलरी तो दिख रहा है लेकिन यूएसबी पोर्ट कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा, तो यूएसबी पोर्ट का थोड़ा सा मुझे झूलझाल लग रहा है। 6+1 में आपको गियर असेंबली मिल जाती है कि आपके 6 फॉरवर्ड और एक रिवर्स मिल जाता है। चारों पावर विंडो की असेंबली आपको डोर्स पे ही देखने के लिए मिल जाती है, मतलब कि अगर आप एस लेते हो तो इसमें एस में आपका जो मिरर्स हैं वो जो सॉरी विंडोज है पावर विंडोज वो आपको सेंटर में मिलते हैं। तो यहाँ पे सेंटर में आपको कप होल्डर मिल रहा है, यहाँ पर कोई मिरर की असेंबली मिल रही है, मतलब साइड मिरर को खोलने बंद करने के लिए असेंबली नहीं मिल रही है। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाती है क्लासिक S11 के अंदर। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूँ तो ये गाड़ी अगर आपको भोकाल बनाना है तो गाड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ अगर आप सेफ्टी वेफ्टी बहुत सारी चीज़ें कंसीडर कर रहे हो तो एक बार को आप इस गाड़ी को अवॉइड करोगे। कुल मिला के इस गाड़ी को सब कुछ मिला हुआ है, सब कुछ अच्छा है, इंटीरियर ऑलमोस्ट ठीक ठाक सा है, बहुत ज़्यादा खास नहीं है आज के हिसाब से, लेकिन अच्छा है दिखने में। स्कॉर्पियो की बैजिंग आपको वहाँ दिख रही है, तो कुछ चीज़ें कंपनी ने यहाँ पर अच्छी की है, कुछ चीज़ें अवॉइड हो गई हैं, सिंपल है। तो कुल मिला के इस गाड़ी को अगर देखते हो आप तो ओवरऑल पैकेज बहुत अच्छा है। अगर आप इंटीरियर से बिलोंग करते हो, सिटी वाले बहुत कम लोग आपको स्कॉर्पियो क्लासिक लेते हुए मिलेंगे, लेकिन देहात में गांव में आपको स्कॉर्पियो क्लासिक लेते हुए बहुत सारे लोग मिलेंगे, क्योंकि वहां पे इस गाड़ी का अपना अलग ही क्रेज है। तो बॉस गाड़ी हमने पूरी देख ली है, गाड़ी के अंदर क्या क्या फीचर्स आते हैं वो सब कुछ आपने एक्सप्लोर कर ही लिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई किसी गाड़ी के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।